Good morning, students. Today we are going to study polytene chromosome. Myself, Dr. Sabia Khan, Associate Professor, Samrat Pathira Chauhan, Government College, Ajmer. Polytene chromosome, also called as salivary gland chromosome. So today we are going to study about introduction, history, structure, and function of the polytene chromosome. Polytene chromosomes, they are called as giant chromosomes. And they are commonly found in dipterans, flies, means two-winged flies. जो dipteran flies हैं, two-winged flies हैं, उनमें found होते हैं. And they are called as giant chromosome. They begin as normal chromosomes, but through repeated rounds, क्योंकि इनमें repeated rounds होते हैं DNA replications के, without any cell division, therefore they are called endoreplication. क्योंकि इनमें रिपीटेड राउंड्स हैं, दे बिकम लार्ज बैंडेड क्रोमोसोम. तो लार्ज बैंड के क्रोमोसोम्स हैं. पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर ओवरसाइज क्रोमोसोम्स. दे हैव डेवलप फ्रॉम स्टैंडर्ड क्रोमोसोम्स. सम आर कॉमनली फाउंड इन स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिलोमेलेनोगेस्टर. तो जनरली हम देखते हैं, इफ यू आर कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, तो वाई दीज पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, दे आर कॉल्ड एज जॉइंट क्रोमोसोम्स एंड they are found in dipteran flies. This question is asked. So they are giant chromosome क्योंकि इनमें बहुत सारे rounds होते हैं DNA के. और two wing flies dipteran flies में found होते हैं. Who first discovered them? It was a scientist called Balbini. In the year 1881, he discovered these salivary gland chromosomes. They are found in the salivary gland, hence the name salivary gland chromosome. सोमैटिकली क्या होते हैं, ये पेयर्ड होते हैं. एंड द नंबर ऑफ जॉइंट क्रोमोसोम्स इन स्लाइवरी ग्लैंड, दे अपीयर टू बी हाफ दैट इन द नॉर्मल सोमैटिक सेल. जो नॉर्मल सोमैटिक सेल है उससे आधे होते हैं नंबर में स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स. अब हिस्ट्री, इन सम इट इज आस्क्ड हु डिस्कवर्ड इट, एंड इटालियन साइटोलॉजिस्ट आई टोल्ड बेल्बिनी इन द ईयर 1881 ही डिस्कवर्ड दिस जॉइंट सेल क्रोमोसोम्स. कहाँ कहा था? चीरोनोमस डिप्टेरन लावा, स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स कहलाते. दी स्ट्रक्चर्स दे वर लॉन्ग. अब इनका अपियरेंस कैसा था? दे वर लॉन्ग एंड सॉसेज शेप थे एंड विद स्वेलिंग्स एंड क्रॉस स्ट्रिएशंस. मतलब इनमें बहुत सारे ट्रांसफर बैंड्स थे और स्वेलिंग्स थी जिनको हम पफ्स कहते हैं. दीज क्रोमोसोम्स दे वर डिस्कवर्ड इन स्लाइवरी ग्लैंड, इसलिए इनको कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स. नाउ दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीटीन क्रोमोसोम्स. तो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम है ना, वो किसने सजेस्ट किया था? साइंटिस्ट कोलर ने किया था. अ साइंटिस्ट नेम्ड कोलर, ही गिव देम. वाई? ड्यू टू अक्रेंस ऑफ मैनी क्रोमोनीमेटा. क्रोमोनीमेटा मीन्स बहुत सारे जो डीएनए राउंड्स थे इनमें, तो इसकी वजह से दे आर वे आर गिवन द नेम पॉलीटीन क्रोमोसोम. तो पॉलीटीन क्रोमोसोम भी बोलते हैं इनको. तो यू हैव अंडरस्टूड द हिस्ट्री. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे इसका, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का ऑफ ड्रोसोफिला स्लाइवरी ग्लैंड, तो इसमें क्या होगा? अबाउट 1000 डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो अरेंज होते हैं साइड बाय साइड एंड 10 राउंड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो 10 राउंड्स होती हैं इनमें डीएनए रेप्लिकेशंस की, 1000 डीएनए मॉलिक्यूल्स. अदर डिप्टेरन स्पीसीज दे हैव मोर डीएनए. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे चीरोनोमस लावा देखें तो उसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स का नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 16,000 हो गया है ना. तो इतने द पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग. अब ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हैं, ये हमें कौन सी स्टेज में दिखाई देते हैं? तो इसमें इंटरफेज में और प्रोफेज में, माइटोसिस डिवीजन में. जो माइटोसिस होती है, सेल डिवीजन है, उसकी जो इंटरफेज स्टेज है और प्रोफेज स्टेज है, उसके अंदर पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर विजिबल. द अलाइनमेंट ऑफ मैनी क्रोमोसोम्स गिव पॉलीटीन क्रोमोसोम्स द कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी, जिसमें क्या होगा, बहुत सारे डार्क ट्रांसफर बैंड्स हैं और क्लियर जोन्स होते हैं जो इंटर बैंड्स होते हैं. तो अभी यू विल सी द स्ट्रक्चर, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड, वेयर यू विल बी एबल टू सी द डार्क बैंड्स एंड द इंटर बैंड्स. तो अब डिस्क्राइबिंग द मॉर्फोलॉजी, के जो लार्ज साइज होते हैं क्रोमोसोम्स का, वाई इट इज लार्ज? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रैंड्स कॉल्ड क्रोमोनीमेटा. बहुत सारे डीएनए इसलिए लार्ज स्ट्रैंड हो गया.
The many strands of giant chromosome is due to repeated division of chromosomes without cytoplasmic division. तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे strands क्यों बन रहे हैं? क्योंकि division होता जाता है, repeated division होता जाता है इनके अंदर chromosomes का, लेकिन cytoplasm में कोई division नहीं हो रहा. The polyteen chromosomes, they contain two type of bands. तो एक तो मैंने बताया था, एक तो बैंड्स हैं और इंटरबैंड्स हैं. तो जो बैंड्स होते हैं उनमें 80% डीएनए होता है, और इंटरबैंड्स हैं उनमें 15% डीएनए होता है. दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड. द डार्क बैंड्स, ये क्या होगा, डार्कली स्टेन होते हैं, और इंटरबैंड्स हैं ये लाइटली स्टेन होते हैं. डार्क बैंड्स हैं उनमें ज़्यादा डीएनए होता है और लेस आरएनए होता है. द बैंड्स ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम्स दे आर एनलार्ज एट सर्टेन टाइम्स और स्वेलिंग बना लेते हैं. कई बार क्या होता है कि जो बैंड्स होते हैं बहुत सारे ना, ये स्वेल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और एक स्वेल होके एक बैंड बना लेते हैं. दिस इज कॉल्ड एज पफिंग. द फॉर्मेशन ऑफ पफ इज कॉल्ड एज पफिंग. तो पफिंग, तो व्हाट इज पफ? द बैंड्स ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम्स दे एनलार्ज. जो बैंड्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं कई जगह पर और एक स्वेल बनाते हैं जिसको बोलते हैं पफ, और जो पफ का बनना होता है दैट इज कॉल्ड एज पफिंग. अब नाउ कमिंग टू द रीजन्स ऑफ द पप, द क्रोमोनीमेटा अनकॉइल. अब यहाँ पफ बने ना, वहाँ पे जो क्रोमोनीमेटा है डीएनए जो अनकॉइल हो जाएंगे और है ना मैनी बहुत सारे लूप्स बना लेंगे. ठीक है, तो पफ जहाँ बन रहे हैं वहाँ क्रोमोनीमेटा अनकॉइल हो रहे हैं. द पफ इंडिकेट द साइट ऑफ एक्टिव जीन्स वे एम आर एन ए सिंथेसिस टेक प्लेस. तो मतलब एक्टिव साइट है और एम आर एन ए सिंथेसिस होती है. जो स्टैंड क्रोमोजोमल सेगमेंट्स हैं दे कॉरेस्पॉन्ड्स टू हाई डिग्री ऑफ पैकिंग एंड आर जनरली इनएक्टिव. अब जो इनएक्टिव साइड होगी वो हेट्रोक्रोमैटिन कहलाएगी, और जो एक्टिव होगी वो यूक्रोमैटिन. तो आप यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस रीजन. यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन रीजन आपको दोनों दिखाई देंगे. अब हियर यू आई एम एक्सप्लेन यू, देखो सी इन द डायग्राम. डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यू आर एबल टू सी द बैंड्स. और इंटरबैंड्स कैसे हो गए, देखिए खुल गए ना, अनकॉइलिंग हुई. और जहाँ पे मैंने बोला कि एक्टिव हो रहा है एम आर एन ए सिंथेसिस हो रही है, देखिए आपको फाइबर्स दिख रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज अ मॉडल वे यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट क्रोमोसोम्स, है ना. तो जॉइंट क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसे दिखाता है, बैंड्स हैं, इंटरबैंड्स हैं और डी एन ए प्रोटीन फाइबर्स हैं दिख रहे हैं. इन द नेक्स्ट डायग्राम पूरा यू विल बी एबल टू सी द होल पफ ऑफ जॉइंट क्रोमोसोम्स. इसमें इट इज वेरी क्लियर, देखो आपको डार्क बैंड्स दिख रहे हैं, इंटरबैंड्स दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोनीमेटा जहाँ पे अनकॉइलिंग मतलब ये दिख रहे हैं डीएनए की, फिर ये क्रोमोसोम्स पफ बन जहाँ बन रहा है, और यहाँ ही एमआरएनए सिंथेसिस होती है. तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम, जॉइंट क्रोमोसोम. व्हाट इज इट्स फंक्शन? फंक्शन देखेंगे तो एक तो क्या है, वॉल्यूम को बढ़ा रहा है सेल का, है ना, न्यूक्लियाई का, और सेल का एक्सपेंशन करता है. दूसरा, पॉलीटीन सेल्स में ऑल्सो हैव अ मेटाबॉलिक एडवांटेज एज मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स परमिट्स अ हाई लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन. बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज हैं जीन्स की तो हाईली जीन एक्सप्रेशन होगा. और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फॉर एग्जांपल, द क्रोमोसोम ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड दे अंडरगो मेनी राउंड्स. बहुत राउंड्स हो जाएंगे इनके अंदर, एंडो रीड्यूप्लीकेशन होती है, तो इसलिए दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ल्यू बिफोर फॉर पॉपुलेशन. तो ग्लू ज़्यादा बना सकते हैं इसलिए पॉपुलेशन के लिए, तो इसका फंक्शन है क्योंकि बहुत सारे हो रहे हैं. सो वी हैव टूडे वी हैव स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन, द मॉर्फोलॉजी, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम. होप यू हैव अंडरस्टूड. इन अ नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड स्टे सेफ.